तो साफ कर दिया यहाँ के, तो किराए के हैं, किराए के मैंने जितनी सारी सफाई कर लो उतनी लगती ही नहीं है रेंट पर। इस तरह का वो सफ़ेद रंग का तो ऐसे ही होगा क्योंकि छोंक वगैरह लगता है भाई, भली सब कुछ कर लो लेकिन आता छोंक इनको है। ये कितना कचरा निकलता है पंखे में भी होता जी, साफ हो गया है कचरा निकला है जी, कचरा निकला इसके झाड़ू भी लगा लें, पोछा लगा ले, बस पोछा लगाने के बाद कुछ होएगा। इतना गंदा कपड़ा हो गया है, पंखों में बहुत ज़्यादा धूल आती है। दूसरे कमरे में लगा ली है, ऐसे इधर का है, दूसरे कमरे में लगा दे, पोछा लगा रही हूँ पहले वहाँ से पोछ लग गया, बस अब मैं अपना काम जय साई राम। मैं हूँ प्रियंका, प्रियंका गुप्ता की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को एंड तक देखना और प्रियंका गुप्ता के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो अब मैं किचन में आ गई हूँ, बस क्लीनिंग का काम हो गया, नहा धो करवा चुकी हूँ और बस अब मुझे क्या करना है, क्या बना रही हूँ आज। हमारे पास सीजन की पहली सर्दियों की आई है मेथी, अब मेथी बनाएंगे और चलो अब बनाना स्टार्टिंग करते हैं। कल धोकर रख दी थी लेकिन काटी नहीं थी, अब इसको मैं काटूंगी और फिर बनाऊंगी। क्या बना रही हूँ आपको सरप्राइज है चलो फिर बनाते हैं। सीजन की पहली बार पहली आई है, पहली बार नहीं पहली सीजन की आई है पहली सर्दियों की। अब तो मेथी, पालक, बथुआ, सरसों यही आना है सर्दियों पर। चलो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको अब बना लिया जाए, तो पत्ती तो अच्छी हैं, कल बनाने थी लेकिन कल दाल बनी हुई थी सो नहीं बनाई थी दाल तड़का, इसलिए चलो इसको अब बनाना स्टार्टिंग करते। सीजन की पहली मेथी बनाने में और खाने में भी बड़ी स्वादिष्ट लगेगी। यहाँ की थोड़ी कड़वी होती है, जिसकी कड़वी होती है थोड़ी चीनी लगा कर और नमक लगा कर रख दो फिर धो लो, इससे कड़वापन नहीं रहता है मेथी में। ये मेरी टिप्स है मेथी, जिसकी कड़वी मेथी हो, कभी कभी कड़वी मेथी निकलती है ना, तो उसके लिए मैंने ये टिप्स दी है आपको। चलो इसको मैं काट लेती हूँ। यहाँ पर मैं कुछ नहीं, ये मेथी एक सी कर लूँ, कलनी की तो अब करना पड़ेगा। और आज हम बनाएंगे मेथी के पराठे, आलू उबाल कर रखे हुए हैं और टमाटर की चटनी, यहाँ चार से खा लेंगे। मेरे हस्बैंड अचार से खा लेते हैं तो फिर मैं सब्जी वगैरह कुछ बनाना नहीं पड़ता है, इसलिए थोड़े निकी डगा लें। पत्ती पत्ती निकाल रही ना, तो इन पत्तियों को निकालेंगे, पत्ती पत्ती को निकाल लेंगे। थोड़े साइड रखो ना मोबाइल, सो अंधेरापन आ जा आता है। डंठल होते ना तो भी थोड़े कड़वे होते हैं, मुलायम हो तो भी अच्छे लगते हैं, सब्जी में अच्छे लगते हैं, पराठे में नहीं लगेंगे क्योंकि वे बेलने में भी प्रॉब्लम होगी। और देखते जा रहे हैं बनाते हैं, पहले इसको मैं कर लूं फिर इसको अच्छे से धो लूंगी, इतना गंदा पानी आ रहा है क्या नहीं जा सकते, मजबूरी में चलना। जितने दिन हमारा कल देखो आ जाए पानी साफ, ये लल्ला आ गए हमारे। देखो ये लल्ला हमारे, तनक लल्ला हेलो बोलो, हेलो कुछ ही दे दो, ड्राइंग किस कर दो, अपने खिलौना लेकर आए हैं तो वही खेलते रहते हैं अपने। अभी यहाँ पर मैं मेथी काट लेती हूँ और ये हरी प्याज के पत्ते काट लिए हैं और ये बॉयल आलू हैं, अब इनको बनाना स्टार्टिंग करेंगे। थोड़ी मेथी काट लूँ पहले फिर इसके बाद
फिर यहाँ पर मैंने आलू को छिले, अदरक और मिर्च काट लिए हैं, मेथी है, हरी प्याज के पत्ते हैं, आप प्याज भी डाल सकते हो, ये सब मैंने काट लिया है। और एक फ्राई पैन लेंगे, मुझे भरमा अच्छे लगते हैं मेथी के परांठे, तो मैं भरमा बना रही हूँ आज की। आज हम आपको बनाना बता रहे हैं मेथी के आलू मेथी के परांठे। और सबसे पहले मैंने फ्राई पैन में एक चम्मच तेल गरम करने के लिए रख दिया है, उसमें हम आप मसाले वगैरह डालेंगे गरम हो जाए। यहाँ पर मैंने हींग और सौंफ और ये अदरक, आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हो, वैसे भी डाल सके काट कर, मैंने बारीक काट लिए हैं। और जीरा डाल देना है आपको, आप थोड़ा बस थोड़ा आपको ब्राउन कलर का हो जाए तो उसमें आपको, मैं यहाँ हरी प्याज के पत्ते भी डाल रही हूँ, फिर थोड़ा मसाला उस हरी प्याज के पत्ते और मेथी डाल देना है आपको। उसको ब्राउन कलर ना करना चाहे तो और कर सकते हो। यहाँ पर मैं हरे प्याज मेथी आलू के पराठे बनाएंगे, वो आपको बनाना बता रहे हैं। तो उस पर मैंने मेथी डाल दी है, अब इनको मिक्स करेंगे, फिर इनको अच्छी तरह से आपको मिला के फिर मसाले आलू बाद में डालेंगे। फिर इसमें मैंने आलू डाल दिए, आलू डालकर मिला दिया मैंने, फिर इसमें हम मसाले डालेंगे, लाल मिर्च थोड़े, मैं बच्चे की वजह से कम डाल रही हूँ, आप अपना मसाला ज़्यादा कम कर सकते हो। सफ़ेद स्वाद अनुसार नमक, सफ़ेद नमक, काला नमक और गरम मसाला, हमने नॉर्मल चाट मसाला, मैंने केवल नॉर्मल ही मसाले डाले एक दो, आप और भी मसाले डाल सकते हो। फिर इसको आपको मिक्स कर लेना है और 2 मिनट तक आपको इसको भून लेना है। फिर इसमें थोड़ा चाट अमचूर डाल देना है और हरी मिर्च को ऊपर से डालना है आपको, पहले डालना तो पहले, मैंने बच्चे की वजह से हमने ऊपर डाली है और बाकी थोड़ा मैंने बिना मिर्च वाला निकाल लेती हूँ बच्चे की वजह से। हरी मिर्च डालकर इन सबको अच्छे से मिला लेना है। ये मेथी का मिक्सचर बनकर तैयार है, मतलब मेथी प्याज आलू का मिक्सचर बनकर तैयार है। और ये बस आटा लगाएंगे, आटे में भरकर उसके पराठे सेकेंगे, ये पराठे वाला मिक्सचर बनकर तैयार है। यहाँ पराठे में आटा लिया है, थोड़ा मैंने तेल डाला है और नमक डालकर और इसका पानी से आटा लगा लेंगे पूरी जैसा। चलो थोड़ी देर बाद, चलो मैं पानी से आटा और लगा लूँ फिर आपको बताती हूँ। यहाँ पर मेरा आटा भी लग गया है और आटा लगने के बाद और ये मैंने चटनी भी टमाटर की बना ली है, ये टमाटर की चटनी बन गई है। बस अब गरम गरम बनाना है, खिलाना है। आ गए हैं थोड़े बच्चा घूमने के लिए, मचल गया सो दुकान तक ले गए हैं। चलो अब पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। आटे की लोई लेना है, लोई को थोड़ा प्लेटन लगा कर बेल लेना है या तेल से लगा के बेल लेना है। फिर उसमें मेथी का पराठे का मिक्सर रखना है, फिर उसको फोल्ड कर देना, फोल्ड कर फिर उसको प्लेटन लगा कर बेल लेना है, पराठा बेल लेना। पराठा बेल जाए तो तवा गरम करने के लिए रख देना है, फिर तवा डाल देना है तवा पे पराठा। और बस तेल घी बटर जिससे आपको सेंकना हो तो उससे सेंक लेना है। मैं तो तेल के बना रही हूँ, मेथी के पराठे मुझे तेल से अच्छे लगते हैं। और बाकी इसी तरह और पराठे सेंक लेंगे, थोड़े गर्म हो गया ना इसलिए मैंने यहाँ पलटी कर दिया है। और बस तेल डालकर दोनों साइड से तेल लगाकर उसको ब्राउन कलर का सिक जाए, उसके बाद चटनी के साथ सर्व करेंगे, खाएंगे। गरम गरम ही पराठे अच्छे लगते हैं। यहाँ पर ये सिक गया है, अब इसको निकाल लेंगे, बाकी आप इसी तरह और सेंक लेना है। यहाँ पर निकाल लिए हैं, यहाँ बेलती जा रही हूँ, इस तरह से सेक लेना है। तेल ज़्यादा ढाबन जैसे करने तो थोड़ा तेल ज़्यादा कर देना, उससे कुरकुरे और बन अच्छे बनेंगे तो ढाबा जैसे बन जाएंगे। ये टमाटर की मेथी के पराठे बनकर तैयार है, मैंने टमाटर की चटनी से सर्व किया है, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। बस यहाँ पर मैं हस्बैंड बच्चे के लिए दिया हूँ, बाकी हम बना लेते हैं, खा लेते हैं, फिर इसके बाद आपसे बात करेंगे, थोड़ी देर बाद मिलेंगे, ठीक है। बहुत स्वादिष्ट बने, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि मज़ा आ गया है।
बिल्कुल टेस्टी इस तरह से बनाओगे तो आपकी भी तारीफ होगी। और सीजन आ ही गया है सर्दियों के में, मेथी, बथुआ, पालक और सरसों, बनाइए, खाइए, अपने फैमिली को खिलाइए और खुश करिए। चलो मैं अपनी फैमिली को खुश कर दूँ, थोड़ी देर बाद मिलेंगे, ठीक है? चलो अभी मेरा सारा काम हो गया है, बच्चे को पढ़ा कर उसने में सो गया था, सोकर अब मार्केट गया है डैडू के साथ में घूमने के लिए। अब चलो घूमने के लिए, चलो सो घूमने के लिए गया है। और बस मैं खाना खाकर बस मैं चोटी का, मैंने बच्चे का सब करके बस चोटी की है, चोटी करने के बाद अपना काम से फ्री हूँ। और हमने कि चलो थोड़ी आप लोगों से बात कर लूँ और फिर अपना एंड कर देंगे। जैसे चाहे वीडियो तो सब कुछ वायरल हो जाते हैं, और जो काम की चीज़ बताओ तो वो लोग वायरल नहीं करते, क्यों नहीं कर वीडियो देखते हो, डेली देखा करो, सपोर्ट करा करो, वायरल करो। दिमाग भी ऐसा ही है। चलो अपनी अपना वो है, चलो अब वीडियो का एंड करेंगे। बस खाना पीना होने के बाद अब शाम की शाम को देखेंगे, हम शाम का वीडियो तो बनाते नहीं हैं। और आप ही लोगों से थोड़ी बात कर लेते हैं, दीपावली की तैयारी हो गई, सफाई मेरी पूरी हो चुकी है, अब बस दीपावली आ जाए, उनकी बस माता रानी की पूजा करनी है और कुछ नहीं करनी है। काम मेरा सारा हो चुका है, पंखा वगैरह क्लीन वगैरह हो ही चुके हैं, सब हो चुका है। देखो बस बच्चा भी लेट कर गया था तो वो ठंडक आ गई तो वो उड़ा देते हैं, सो वो उठा कर रखनी है। चलो अब वीडियो का एंड करेंगे, अभी रख के देते हैं, फिर आ जाता है, फिर उदम करेगा, फिर वो करेगा। तो कभी कभार तो ऐसा लगता है कि चलो जब ही करेंगे, जब ये पूरा खेल ले। पंखा वगैरह हो चुके हैं साफ, सब हो गया मेरा काम, दीपावली का काम फिनिश। चलो आज का वीडियो यहीं तक का था, और फिर अगले वीडियो फिर जल्द मिलेंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो प्रियंका गुप्ता का, तो यूट्यूब चैनल के नीचे ही लाल रंग का सब्सक्राइब बटन आएगा, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्रियंका गुप्ता के चैनल को। चलो आज का वीडियो यहीं तक का था।